गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही सबको? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो यस सर। एक मिनट स्क्रीन थोड़ा सही करें, स्क्रीन थोड़ा सा ब्लिंक करो। सही हो गया ना स्क्रीन? चलिए स्क्रीन सही हो गया, कुछ हल्का सा सर ब्लिंक करो। ऐप का कोई क्या क्या हुआ बेटा? फिर से बोलो। सर ऐप का कोई वर्किंग चल रहा है क्या? सर्वर एकदम लोड मतलब ऐप बहुत देरी, सर ऐप ऐप बहुत लेट से खुल रहा है सर, कोई वर्किंग चल रहा है आपका? उसका अपडेट आया हुआ होगा। एक अपडेट कर लो, ठीक है? अपडेट आया होगा, उसको अपडेट कर लो, लेकिन वर्किंग तो नहीं चल रहा। बट इंटरनेट इतना स्लो हो गया जूम का कि जूम पे खुलने में बहुत, सॉरी इसका जियो का नेट इंटरनेट इतना स्लो हो गया कि जियो में खुलने में शायद प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना? और बाकी जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड में खोल रहे हैं तो खुल रहा है, शायद जियो में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी हम एक बार वर्किंग देख लेंगे क्या हुआ, वरना नया अपडेट आया उससे अपडेट कर लो, ठीक है? सर अपडेट कर चुके हैं सर, पाठशाला वाला अपडेट नया अभी आया ना आप किए हैं मेन सर। प्रॉब्लम क्या फील कर रहे हो? क्या बहुत स्लो चलता है, खुलता है नहीं यस खुलता है? सर सर खुलता है यस सर, लेकिन अटेंडेंस बहुत बनाने में लेट करीब से करीब खुलता है। 15-20 मिनट लग जाता है सर अटेंडेंस बनाने में। कल तो सर हमने नहीं यस बनाया, ही चेक कर चलो लेंगे। हम देखते हैं। नहीं लेकिन ये बेटा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम आपका जियो है। जियो बहुत स्लो हो गया, जितना पहले था जिस स्पीड में ऐप चलता था उसका हम लोग आधा स्पीड ही अभी जियो दे पा रहा है। शायद उसलिए भी कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे हम ब्रॉडबैंड पे हम लोग खुलते हैं ना, यहाँ पे तो उसमें खुल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट ठीक, फिर भी एक बार हम देख के आपको। तो क्या बोले बेटा? सर जियो वाला जो स्लो सर नेट स्लो कर दिया और पैसा ज्यादा लेगा, ना हाँ, इंसाफ ही है हम लोग के नेट साथ। स्लो होने जैसे के कारण। एयरटेल से तो सर खुल रहा है। हाँ एयरटेल से खुल रहा होगा, जियो में ही प्रॉब्लम चल रही है। जियो में बहुत स्लो हो गया नेट, एक्चुअली उधर सर स्पीड डाउट दिखाता कुछ। बताइएगा क्या? पहले डिस्कस कर लें कुछ डाउट, बताएंगे लास्ट के आधे घंटे में, ठीक है? ठीक है। आज पहले अमीनो एसिड खत्म कर लें, और थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड की बात करें। न्यूक्लिक एसिड में ज्यादा डिटेल नहीं है, खाली नाम जानना है। अमीनो एसिड खत्म करेंगे और न्यूक्लिक एसिड, फिर हम आपको डाउट बताएंगे, ठीक है? जो वीडियो 1 घंटे का भेजा था बच्चों, सर सारा मैं वो जो उसको आप कोड बताए थे सर, पीटीएम टिम हॉल, सर जो कोड बताए थे सर पी यस सर, पीटीएम सर तो एम उसमें पीटीएम टिम जितना हॉल है। पी वाला होगा वो सब आ जाएगा पी के अंदर में। नहीं, वो मैं नाम बता दो, रुक जाओ अभी, एक तो रुको ना, ठीक है? सब डिस्कस करेंगे। जैसे एक मिनट, जो कोड बताए थे ना, उस कोड में एक मिनट बच्चों, हाँ क्योंकि आपने कोड की बात कर दी, पेटीएम टिम हॉल, पेटीएम मिट हॉल, जैसा ना याद रखो, टिम हॉल याद रख सकते हो, मिट हॉल याद रख सकते हो, पेटीएम मिट हॉल, पेटीएम टिम हॉल, ठीक है? दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। और इस 1 मिनट 2 मैं सर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पीटीवी बोले थे ना? हाँ पीटीएम, पीटीवी, पीटीवी एक्चुअली अभी पीटीएम थी तो वही मन से पीटीएम निकल गया। अच्छा, बल्कि आज हम लोगों ने एसटीएम करी है, एसटीएम, पीटीएम कहाँ करी है? STM समझते हो? स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट टीचर मीटिंग। हाँ स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग, ऑनलाइन में मीटिंग कहाँ हो पाती स्टूडेंट से? तो आज STM भी हुई थी कुछ बैचेस में। मैं आपको कोड ना
तो बच्चों एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना जरा, जो आपने पढ़ा है उसी को डिस्कस करने के लिए। देखिए आपने ये कोड याद किया ना, पीटीबी टीम हॉल पीटीएम मिट हॉल, राइट। पी का मतलब क्या हुआ, तो ये पी का मतलब लिखा है, पी का मतलब ये देखिए क्या लिखा है, फिनाइल एलानिन। टी का मतलब थ्रियोनाइन। वी मतलब वलाइन, ये पूरा एक नाम लिखा हुआ वलाइन। फिर टीम आया टीम, फिर ट्रिप्टोफेन, इन सबके नाम आप लिख लीजिए फटाफट। आई फॉर आइसोल्यूसाइन, एम फॉर मिथोइनोइन, एच फॉर हिस्टिडिन, ये 10 होते हैं, 10 के नाम। ए फॉर अर्जनाइन, फिर 2 L हैं, इसका मतलब हो गया पहला L हो गया ल्यूसाइन, दूसरा हो गया लाइजीन। इसको पूरा कॉपी में फटाफट नोट करिए, पीटीवी टीम हॉल के सारे नाम क्या हैं, ठीक है। पीटीवी टीम हॉल के सारे नाम आप नोट कर लें। पीटीवी मिट हॉल भी बोलते हैं, MIT मिट हॉल, जो MIT में पढ़ना चाहते हैं उसको मिट हॉल बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीन शेयर बंद करें। नहीं सर, नहीं करो। हाँ नोट करो, करो फटाफट पूरा नाम लिखो, पीटीबी मिट हॉल, राइट। हाँ बोलो बेटा। सर पहला में तो सर फिनाइल एनालिन होना, एलानिन होना चाहिए ना सर। हाँ फिनाइल एलानिन। ज़ूम करें क्या कुछ सर, वो स्पेलिंग गलत है सर। फिनाइल, हाँ एलानिन, 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 हाँ सही करो उसको, स्पेलिंग सही कर लो, गलत है वो, नहीं देखे ऐसे ही देखो, फिनाइल एलानिन ही है वो, ठीक है। फिनाइल एलानिन, थ्रियोनाइन, वलाइन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसाइन, मिथोइन, हिस्टिडिन, अर्जिनाइन, ल्यूसाइन और लाइजिन, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर पिछली क्लास में बताए थे, स्ट्रक्चर की हमने एक शीट भी आपके संग शेयर करी थी आज सुबह, PDF शीट, पूरे कलर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। तो उसे एक बार देखिएगा, 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 में से 10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो नॉन एसेंशियल हैं, बॉडी में है, हमें बाहर सोचना नहीं उनके बारे में, लेकिन जिनके लिए सोचना है कि हाँ खाने में खाना है वो एसेंशियल है, खाने के मतलब जो बोलते हैं एसेंशियल मीन्स दे शुड बी एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर फूड, खाने में एसेंशियली होना चाहिए, सुबह का खाना दोपहर शाम वो सब लेना है हमें, उसमें इसे एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और ऐसी चीज खाते हैं अमीनो एसिड हो, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए 10, याद रखने का तरीका पीटीबी मिट हॉल या पीटीबी टिम हॉल, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, अब उसको स्क्रीन शेयर बंद करके आ जाओ, बोर्ड पे आ जाएं। यस सर, हो गया। चलो देखो बोर्ड पे। हाँ देखो बच्चों, तो जो आपसे हम बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने अमीनो एसिड देखे, 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखे, 20 को दो कैटेगरी में डिफाइन किया है ना, नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर में एलिफेटिक एरोमेटिक, पोलर में 3 हो गए, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज याद रखिए, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम उस पर चलेंगे, ठीक है ना। ओके तो लिखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी में, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन आपको मैंने बताया था, अमीनो एसिड खत्म करे, सॉरी अमीन्स खत्म करे, उसमें भी ज्यूटर आयन आया था, यहाँ भी ज्यूटर आयन आएगा, सल्फोनेशन ऑफ अमीन, वहीं पे आया था ज्यूटर आयन, यहाँ पे ज्यूटर आयन कैसे आएगा समझिए मेरे संग। देखिए बच्चों, यहाँ ज्यूटर आयन क्या होता है, ये रहा अमीनो एसिड CH2, एस्टिक एसिड कोई ले लो, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, एस्टिक एसिड होता, यहाँ NH2 लगा दो, ग्लाइसिन हो गया, है ना। तो इसमें होता क्या, ये एसिडिक ग्रुप है, ये एसिड है और ये बेस है, जहां भी एसिड बेस एक साथ आते हैं वहां एसिड का H निकल करके बेस के पास चला जाता है, और जो एक आयन बनता है डाई आयन, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आते हैं, उसी को ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये CH2CO, यहाँ पे NH2 था, और बच्चों यहां से H निकलेगा तो यहां माइनस चार्ज आएगा, वो H यहां जुड़ेगा तो NH3+, देखिए ये ऐसा बन गया, ये ग्लाइसिन, ये इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, और ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, ज्यूटर आयन या डाई, इसको डाई आयन भी बोलते हैं, ज्यूटर आयन
क्या इसी को डाई आयन बोलते हैं? डाई आयन किस लिए? अरे कटायन, अनायन भी, कटायन भी, डाई आयन। तो बच्चों ज्यूटर आयन सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं ज्यूटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। इसको लिख लीजिए, लिखिए अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड की बात करें ज्यादातर, बस सारे होते हैं अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन। और ज्यूटेराइन क्या होता है? ज्यूटेराइन होता है जब एक ही कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों हो, तो एसिडिक ग्रुप का H प्लस आयन निकल के बेसिक ग्रुप से जुड़ जाता है और वो डाई आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस डाई आयन को ही ज्यूटेराइन बोलते हैं। राइट? तो ये समझ गए, पॉइंट एक ही है, कोई बात नहीं, इट्स डन नाउ। दूसरा लिखें, इसका फोटो लेने के बाद आपसे बात करते हैं। चलिए बच्चों इसको मैं क्लियर करता हूं, ज्यूटेराइन समझ गए, सारे अमीनो एसिड ज्यूटेराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इस बात को आप माइंड में रखिए। राइट? चलिए आगे की बात देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब ज्यूटर आयन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पीएच का क्या फर्क पड़ता है? लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड पीएच। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड पीएच, इस पे जरा बात करेंगे कि क्या पीएच का क्या फर्क पड़ता है अमीनो एसिड के। देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम लोग ग्लाइसिन का या एलानिन। ग्लाइसिन एलानिन में जो चाहे, अभी फिलहाल आपके सामने ग्लाइसिन लिखा हुआ है। अब ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है, अल्फा अमीनो एसिड को ग्लाइसिन बोलते हैं, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ठीक ग्लाइसिन ले लिया, दूसरा एसिड ले लेते हैं, कौन सा? एलानिन। याद रहेगा, धीरे याद हो जाएंगे। एलानिन क्या होता है? सब इथेनोइक एसिड का ही जो होता है वो अल्फा अमीनो एसिड है। देखो ऐसे एलानिन जो है ना, एलानिन ऐसा होता है CH3 CH2 CH3 CH COOH, और यहाँ आ गया NH2। ऐसे देखिए CH3 CH CH3 CH NH2 COH, है ना, ये आ गया। सर अमीनो एसिड एंड क्या लिखे? एंड पीएच, पीएच अमीनो एसिड एंड पीएच, पीएच जानते ना, पीएच निकाला हुआ आयनिक युग्म में बहुत सारा। बच्चों देखो इसका ज्यूटेराइन ऐसा होता है, ज्यूटेराइन ये प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस, ये ज्यूटेराइन इसका। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, ये नॉर्मल है, अगर हम पीएच टू कर दें एट पीएच टू बच्चों और एट पीएच ट्वेल्व, दोनों वेज स्ट्रक्चर देखते हैं एट पीएच ट्वेल्व। ध्यान रखो पीएच 12, पीएच 2 मतलब एसिडिक मीडियम हो गया, पीएच 2 यानी 7 से बहुत कम, 7 से जितना कम उतना एसिडिक। अरे एसिडिक हो गया तो चारों तरफ H प्लस आयन होंगे, अरे H प्लस आयन खूब सारे होंगे, पीएच 2 का मतलब H प्लस आयन खूब सारे होंगे। H प्लस क्या करेगा, इस माइनस से जुड़ जाएगा, जो H प्लस आयन के चारों तरफ होंगे ना वो इसके संग जुड़ जाएंगे माइनस से, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। देखिए CH3 CH CO O और यहां पे NH3 प्लस NH3 NH3 प्लस था, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन चूंकि एसिडिक मीडियम है चारों तरफ H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन यहाँ माइनस चार्ज को बैलेंस कर रहे, यहाँ जुड़ जाएंगे, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। यानी एलानिन का स्ट्रक्चर बच्चों, एलानिन का स्ट्रक्चर pH इक्वल टू 12 2 पे एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन जो होंगे सारे नेगेटिव चार्ज को कवर कर लेंगे, ये H प्लस आयन ने नेगेटिव चार्ज को कवर किया, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा अब बात करते हैं pH 12 2 पे हाईली ये एसिडिक मीडियम था, एसिडिक हो गया तो क्या हुआ, H प्लस आयन जुड़ गए। इसी प्रकार सोचो अगर बेसिक हो गया, पीएच 12 क्या है, बेसिक मीडियम है, और बेसिक में क्या होंगे बच्चों, चारों तरफ OH आयन होंगे, तो OH आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसका नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल, नेगेटिव OH माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको इस इंटरेक्ट नहीं, यहां इंटरेक्ट नहीं करेगा, फिर किससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट ध्यान दीजिए OH आयन H प्लस आयन निकालना चाहिए, H प्लस आयन यहां पे एक्स्ट्रा है, ये OH आयन यहां से रिपल होगा लेकिन यहां से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ के एक्स्ट्रा एच को निकाल लेगा, तो यहाँ 3 एच में से 2 ही रह जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा CH3 CH CO O-
और यहाँ पे देखो बच्चों एक एच चला जाएगा, एन एच टू बचेगा, एन एच टू। तो देख सकते हैं अलानिन जो कि ब्यूटेनियन के फॉर्म में रहता है एसिडिक मीडियम में, वो एच प्लस आयन जुड़ गया तो एज कटायन, वो एज कटायन बिहेव करेगा, ये एग्जिस्ट एज कटायन, एग्जिस्ट एज कटायन। और यहां देखिए जब बेसिक मीडियम होगा तो OH आयन इस एच को निकाल लेंगे, इसे रहेगा तो ये अनायन जैसे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इस पे, तो एग्जिस्ट एज अनायन। यानी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एलानिन का एग्जांपल लिया कि एलानिन जो नॉर्मली ब्यूटेनियन होता है एसिडिक मीडियम में वो एज कटायन बिहेव करता और बेसिक मीडियम में एज अनायन बिहेव करता, क्या रीजन है वो साथ पे लिखा हुआ इसका, ठीक है, उसका रीजन साथ में मेंशन है, नोट कर लें। इसका मतलब किसी भी जनरली अमीनो एसिड ब्यूटेनियन के फॉर्म में रहते हैं लेकिन वो पीएच जनरली, लेकिन पीएच अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तो वो एज कटायन या एज अनायन भी बिहेव कर सकते हैं, क्यों, रीजन आपने मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे रीजन। राइट, एलानिन, तो जो रिजल्ट आया उसी को देखते हैं कि पीएच बहुत कम फॉर्म हो, पीएच अगर बहुत कम होगा, पीएच अगर बहुत कम होगा तो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एसिडिक फॉर्म मतलब एसिडिक ग्रुप वहां पे दिखेगा आपको, और पीएच बहुत ज्यादा होगा तो बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिक फॉर्म मतलब कॉन्जुगेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं इसी का सेकेंड जो हमने लिखा ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड पीएच, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इन पीएच जो लिखा है इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसी का फर्स्ट पॉइंट हो गया है जो एलानिन से जुड़ा हुआ था। सेकंड पॉइंट लिखा जाए, सेकंड पॉइंट इसको हटा के लिखेंगे, लिखे अमीनो एसिड, अच्छा याद होगा पीएच इक्वल टू होता है पीके प्लस लॉग ऑफ, नीचे एसिड ऊपर लिखते हैं सॉल्ट, लेकिन होता है कॉन्जुगेट बेस, यहां पे कॉन्जुगेट बेस कर दो इसका, याद हो इसको बोलते हैं हिंडरसन इक्वेशन, एसिडिक आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ऐसा इक्वेशन, हिंडरसन इक्वेशन या आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में हो सकता पढ़ा हो, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलते हैं कि पीएच के हिसाब से ब्यूटेनियन नॉर्मल पीएच पे ब्यूटेनियन है लेकिन लो पीएच पे वो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाई पीएच पे वो बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। खैर ये हाई लो की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसको कंपेयर करेंगे किससे, पीकेए से, इससे कंपेयर करेंगे कैसे मैं बताता हूं नोट नंबर टू में, इसी का थर्ड पॉइंट में। वीडियो ब्लर हो रहा, वीडियो सबको ब्लर हो रहा क्या? नो सर। हां फिर मेरे साइड अगर सबको ब्लड हो रहा है तो मैं फिर इम्प्रूव करता हूँ, सबको ब्लड नहीं तो आप इम्प्रूव करिए। सर सही आ रहा है। हाँ इसका मतलब जिस बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है उसके साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जियो का नेटवर्क बहुत घटिया है यार, जियो मतलब क्या बताएं, जियो आज से 2015 में जियो जब आया था कितना अच्छा था, अभी तो सबसे घटिया वही हो गया, मतलब ब्रॉडबैंड हम लोग ले नहीं रहे, मजबूरी हमको ब्रॉडबैंड लेना पड़ रहा है। शुरू शुरू में हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया था याद होगा आपको, है ना, तब सही चल रहा था जियो, लेकिन जैसे ही सबने यूज करना शुरू किया बहुत एक्सटेंसिव, तो जियो ना जियो सही रहा ना ब्रॉडबैंड से। हाँ एयरटेल थोड़ा बहुत मेंटेन कर पा रहा आपने आपको, क्योंकि एयरटेल ने जियो जैसे सिम नहीं बांटे ना बिल्कुल थोक में, इसलिए थोड़ा बहुत जियो एयरटेल मेंटेन है। आइए देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब इससे कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, पहला अगर पीएच ये की बात कर रहे हैं ये इससे कंपेयर करेंगे, पीएच पीके से ज्यादा है तो क्या होगा, दूसरा पीएच पीके से कम है तो क्या होगा, है ना, पीएच अगर ज्यादा है तो क्या होगा और पीएच अगर कम है तो क्या होगा। बच्चों पीएच अगर ज्यादा है, ध्यान रखना पीएच ज्यादा होना मतलब बेसिक मीडियम, तो ये बेसिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज बेसिक इन बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म मतलब कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में। अगर
पीएच ज्यादा होने का मतलब हाई, पीएच ज्यादा मतलब बेसिक मीडियम, पीएच अगर पीके से कम यानी एसिडिक मीडियम है तो अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट इन एसिडिक फॉर्म, अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट इन एसिडिक फॉर्म राइट। अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट इन एसिडिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म एसिडिक फॉर्म। राइट बच्चों, आइए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लिखो, पहले लिखो एग्जांपल। एक स्ट्रक्चर होता है सिस्टाइन, लिखे स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टाइन इज, ये बना देते हैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टाइन इज ऐसा, SH CH2 COH NH3+, ये इन तीनों के पीके लिख देते हैं बच्चों, पीके इसका पीके 1.8, इसका पीके 10.8 और इसका पीके 8.3। ठीक है, 8.3, 10.8 और 1.8। ये पीके हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है, लिखे फाइंड आउट पीएच ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड आउट, सॉरी क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टाइन, सी वाई एस टी आई एन सिस्टाइन, राइट राइट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टाइन एट पीएच इक्वल टू पार्ट ए पीएच इक्वल टू 1, पार्ट बी पीएच इक्वल टू 5 पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पार्ट सी थर्ड पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ pH, write on structure of cysteine at, write on structure of cysteine at और pH दिए हुए, pH 1 पे स्ट्रक्चर क्या होगा, pH 2 पे स्ट्रक्चर क्या होगा, pH 3 पे स्ट्रक्चर क्या होगा, एसिडिक फॉर्म मतलब H plus ion जुड़ा रहेगा और बेसिक फॉर्म मतलब H plus ion निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ H plus ion जुड़ा है एसिडिक फॉर्म, H plus ion जुड़ा एसिडिक फॉर्म, यहाँ पे H plus ion जुड़ा एसिडिक, नहीं अभी तीनों ग्रुप एसिडिक फॉर्म में, ये भी एसिडिक फॉर्म है, ये भी एसिडिक फॉर्म, ये भी एसिडिक फॉर्म। अब या ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, कोई ग्रुप बेसिक फॉर्म में कब जाएगा, जब उस, जब पीएच पीके से ज्यादा हो, इसका पीके 8.3 है, इसका पीके 10.8, इसका पीके 1.8 है ना, अब ये ऐसा ही रहेगा या बेसिक फॉर्म में जाएगा, डिपेंड करेगा पीएच क्या मेंटेन किया, इसके चारों तरफ पीएच कैसा है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, अगर अमीनो एसिड के चारों तरफ का पीएच पीके से ज्यादा है, अगर पीएच जो है पीके से ज्यादा है तो वो बेसिक फॉर्म में रहेगा और पीएच पीके से कम है तो एसिडिक फॉर्म में, एच प्लस आइन जुड़ा रहेगा। आइए इसी चीज को देखते हैं, ये पीएच देखो, ये पीएच में लगता है इससे कम है ना, इससे कम है जो पीएच, पहले देखते हैं पार्ट ए का आंसर क्या होगा, पार्ट ए का आंसर बच्चों ध्यान दो, ये वाला ग्रुप ना, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा जैसा है, क्यों, इसका पीके 8.3 और पीएच 1 है, तो हमारा सॉल्यूशन का पीएच 1 है नहीं, वो इसके पीके से कम नहीं है, एसिडिक फॉर्म में रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इस 1 इससे भी कम है, इससे भी कम है मतलब इसके पीके से भी कम नहीं, ये भी ऐसा ही रहेगा एसिडिक फॉर्म में, और 1 इससे भी कम है 1.8 से भी, तो भी बेसिक फॉर्म में रहेगा, यानी जो स्ट्रक्चर लिखा है यही स्ट्रक्चर रहेगा, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, नो चेंजेस, यानी नो चेंज का मतलब है ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा जैसा है, ये ऐसा SH COH NH3+, जो स्ट्रक्चर लिखा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन pH इक्वल टू 5 पे क्या होगा, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसको, पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ बताएंगे आपको, CH2 बच्चों, चलो देखते हैं,
दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट बस, दो मिनट में सही हो जाता है। सर वन वाला फिर से बता दीजिए। बेटा वन में पीएच जो है ना, पीएच बोला है, ये कंसेप्ट ये है कि पीएच अगर पीके से कम है तो बेसिक फॉर्म में रहेगा। सर पीएच अगर पीके से ज्यादा है तो बेसिक फॉर्म में रहेगा, पीएच पीके से कम है तो एसिडिक फॉर्म में रहेगा। इसमें देखो जरा, पहला ग्रुप किस फॉर्म में रहेगा, एसिडिक की बेसिक, तो कहते हैं इसका पीके इसके पीएच से ज्यादा है, या इसका पीएच इसके पीके से कम है। पीएच अगर कम है, पीके और पीएच को कंपेयर करो, पीएच वन पीके इतना, ये कम है तो ये एसिडिक फॉर्म में ऐसा ही रहेगा एस सच, ये ग्रुप ऐसा ही रहेगा जैसा है, जैसा दिया है वैसा ही रहेगा। इधर देखिए पीएच वन इससे भी कम है, यानी इसके पीके से पीएच कम, ये भी एस सच जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ देखिए आखिरी वाले में पीएच 1.8 से भी ये कम है, ये वाला भी ऐसा ही रहेगा जैसा है। यानी तीनों ग्रुप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर सामने है वैसा ही रहेगा। हमारा पहले ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में जैसा है वैसा ही रहेगा पीएच, ठीक है। आइए दूसरे में देखते हैं पीएच 5, ध्यान दो बच्चों, इसका पीके 8.3 है, देखो पीके लिख लेते हैं 8.3, इसका पीके कितना है 10.8, इसका पीके कितना है 1.8। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, पीएच 5 है, पीएच 5 पे 5 जो है ये 8.3 से एक, इसको कंपेयर करिए कम है, ये कम है नहीं, एसिडिक फॉर्म में ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, नो चेंज, एसिडिक फॉर्म में ही रहेगा ये, ओके। इधर देखिए 5 जो है इससे कम है, 5 जो है 10.8 से भी कम है, यानी ये भी ऐसा सच रहेगा, एसिडिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन 5 जो है 1.8 से ज्यादा है बच्चों, ये एसिडिक फॉर्म में रहेगा, ये एसिडिक फॉर्म में, लेकिन इसको बेसिक फॉर्म में जाना होगा, इसको बेसिक फॉर्म में जाना होगा, और बेसिक फॉर्म में जाना होगा तो क्या करेंगे, इसका एच हटा दो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगी। देखिए सबसे आखिरी में ध्यान दें, यहाँ पे चेंज आ रहा है, ये CO माइनस हो जाएगा। पीएच 5 पे जो स्ट्रक्चर है, पीएच 5 पे स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, यही कंसेप्ट अप्लाई करो, जो पीएच जिसके पीके से ज्यादा है वो बेसिक फॉर्म में जाएगा, बाकी एसिडिक फॉर्म में रहेंगे। तो 5 सिर्फ इससे ज्यादा है, ये सिर्फ ये वाला ग्रुप, ये जो ई ग्रुप जो है ये बेसिक फॉर्म में जाएगा पीएच 5 पे, नहीं यहाँ से एच हट जाएगा, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही जरा पीएच 9 और 12 पे एक बार ट्राई कर लो, 9 पे और 12 पे, 9 पे क्या होगा, 9 इससे ज्यादा ये बेसिक फॉर्म में जाएगा, ये ज्यादा ये भी बेसिक फॉर्म में, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे S माइनस हो जाएगा, ये दोनों बेसिक फॉर्म में जाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ना है। और 12 पीएच 12 तीनों से ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी, तीनों का एच प्लस हटा दो, तीनों बेसिक फॉर्म में रहेंगे, पीएच 12 तीनों बेसिक फॉर्म में रहेंगे। सिस्टाइन का स्ट्रक्चर अलग अलग पीएच पे ऐसे होगा, मुझे लगता है बाकी दोनों अगर आप बना पाए तो अच्छा रहेगा। यस सर, बन जाएगा, बन जाएगा ना, गुड। मतलब जो सराउंडिंग का पीएच है वो पीके से ज्यादा है तो बेसिक फॉर्म में लिखना, सराउंडिंग का पीएच अगर पीके से कम है उसको एसिडिक फॉर्म में, एच प्लस साइन के साथ लिखना, एसिडिक फॉर्म मतलब एच प्लस साइन के साथ, एच प्लस साइन जोड़ के लिखना, बेसिक फॉर्म एच प्लस हटा के लिखना। तो आखिरी वाले में देखो, यहाँ से एच प्लस हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से, आखिरी वाले का स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये एस माइनस, सी डबल ओ माइनस, यहाँ पे एन एच टू। अब इसमें देखो पीएच 9 पे, पीएच 9 पे ये बेसिक ऐसा ही रहेगा, तो ये S माइनस सी डबल ओ माइनस, यहाँ पे NH3 प्लस ही रहेगा, ये न्यूमेरिकल ऐसा ही बनेगा कि पीएच के हिसाब से कैसे, सॉरी पीएच के हिसाब से स्ट्रक्चर बदलेगा क्या, हाँ, अरे वैसे तो ज्यूटर आयन है लेकिन पीएच के हिसाब से बदलेगा, चारों तरफ एच प्लस आयन है तो एच प्लस आयन पीके से ज्यादा है तो बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, पीके से कम है तो एसिडिक फॉर्म में ही रहेगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे स्ट्रक्चर दे देगा सारा का पीके दे देगा और फिर पूछेगा कि मिनिमम पीएच जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर बेसिक हो जाए या एसिडिक हो जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएच, बिल्कुल। अभी हम क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं, मिनिमम बिल्कुल पूछ सकता है कि बताओ वो पीएच बताओ जिसपे सारे बेसिक फॉर्म में जाएंगे, तो पीएच आउट ऑफ फोर ऑप्शन 1, 9,
फाइव और ट्वेल्व, पी एच ट्वेल्व ऐसा इस पे सब, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, तीनों बेसिक फॉर्म में चले गए, या वो पीएच बताओ जिसपे कोई बेसिक फॉर्म में नहीं होगा, पीएच वन हमारा आंसर होगा, कोई बेसिक फॉर्म में, सब एसिडिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। या ऐसा ही पूछ सकता है, वो पीएच बताओ जिसपे सिर्फ दो ग्रुप एसिडिक फॉर्म में होंगे, तो उसको आप सोचना है, घुमा सकता है पीएच को, ठीक है। बल्कि हम अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कहेंगे, मान लो मेरा क्वेश्चन समझो, मान लो एक्स वो पीएच है जिस आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन, चार ऑप्शन में ये वन नाइन फाइव ट्वेल्व, मैं बोलूंगा इन चारों में x की वैल्यू वो है जिसपे कोई दो ग्रुप बेसिक फॉर्म में रहते हैं, y की वैल्यू वो है जिसपे तीनों ग्रुप बेसिक फॉर्म में रहते हैं, तो x plus y by 2 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देंगे, कितना होगा। तो ग्रुप एक बार लॉजिक समझ गया, फिर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गया, लॉजिक कैसा भी आ जाए, जैसा कि होता है कि नहीं x plus y by 2, x plus y by 3, कोई वैल्यू पूछ दे हमको क्या फर्क पड़ेगा, बस एक बार लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे समझना है इसको। तो अमीनो एसिड ज्यूटर फॉर्म में रहता है, लेकिन हाँ वो कटायन एनायन दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पीएच, पहले ये समझा हमने, और फिर देखा ये हिंडरसन इक्वेशन लिखी और कहा अगर पीएच ज्यादा है पीके से तो बेसिक फॉर्म में, और पीएच अगर कम है तो एसिडिक फॉर्म में रहेगा। क्लियर, बेसिक फॉर्म में रहने का मतलब एच हटा देना है, एसिडिक फॉर्म में मतलब वहां पे एच जोड़ के रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता फोटो तो मैंने ले लिया है, एक बार देखें जरा, फिर नहीं तो उसको हटा के अगला एक अगले पॉइंट पे चले। फोटो नहीं लिया है तो ले लेते हैं, फोटो पिछले क्वेश्चन का लिया था, इसमें फोटो लेना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो पीएच एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात की हमने, अच्छा अमीनो एसिड में बच्चों अमीनो एसिड में क्या करते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड याद है, आपने सुना था कैपिटल डी फॉर्म, एल फॉर्म, ये आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़े थे, इसमें डी और एल होता है विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप, जैसे विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप ही डीएल बताते हैं, कैसे, ऐसे देखो बच्चों, ऐसे ये CH3 COH H NH2 और इधर COH, ये एलानिन है, स्ट्रक्चर एलानिन का है, ये स्ट्रक्चर एलानिन का है बच्चों, एलानिन ये काइरल एसेंटर, ये भी काइरल एटम है, इसमें NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो L फॉर्म, NH2 लेफ्ट में है तो L फॉर्म, और NH2 राइट में है तो R फॉर्म, सॉरी D फॉर्म, D और L होता है नॉमेनक्लेचर, D फॉर्म L फॉर्म ऐसे होता है, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में NH2 है तो L फॉर्म, और राइट में हो गया तो D फॉर्म। तो D और L यहाँ पे है NH2 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, चलिए आगे लिखिए बच्चों, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड, पॉलीपेप्टाइड मतलब एन, एन डाइपेप्टाइड हो गया, एन दो हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड के लिए थ्री हो जाएगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा सर, ये डी फॉर्म और एल फॉर्म जो है ये तो सर मतलब रिलेटिव होगा ना, कि किसी को डी कहे तो अगला को लेफ्ट कह देंगे, नहीं एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में ये डिफाइन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जहां पे बताया तो लास्ट कायरल एटम जो होता है
कार्बोहाइड्रेट में क्या बताता है, आईयूपीएसी नंबरिंग में जो आखिरी कायरल एटम होता है उस पे ओएच ग्रुप लेफ्ट में लगा तो एल फॉर्म, राइट में लगा तो डी फॉर्म, ओएच ग्रुप आखिरी कायरल एटम पे ओएच ग्रुप लेफ्ट में तो एल फॉर्म, राइट में तो डी फॉर्म. यहाँ पे क्या है, ओएच नहीं देखना है, अमीनो एसिड में क्या देखना है, एनएच टू. एनएच लास्ट कायरल एटम आखिरी कायरल एटम पे एनएच टू ग्रुप लेफ्ट में है तो एल फॉर्म तो डी फॉर्म है, वैसा ही कायरल एटम ही देखना है, आखिरी कायरल एटम देखना है एज पर आईयूपीएसी नंबरिंग, लेकिन एनएच टू ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचना है. ओके, जैसा वहां ओएच था. नंबर ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म्ड, नहीं यार गड़बड़, ऐसे मत लिखो, ऊपर ही लिखो यार, ऊपर ही लिखो, इसको हटाओ, इसको फोटो लेके हटाते हैं फिर लिखते हैं. नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हमें निकालने हैं एक्स डिफरेंट अमीनो एसिड से, तो बहुत छोटा तो लिखा ही, एक मिनट. देखिए नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में लास्ट क्लास में बताया था फॉर्म्ड फ्रॉम एक्स डिफरेंट अमीनो एसिड, एक्स डिफरेंट अमीनो एसिड. अच्छा ये n की वैल्यू जो है ना पॉलीपेप्टाइड, अगर ये n की वैल्यू वेरी करेगी कैसे, n इक्वल टू 2 हो जाएगा डाईपेप्टाइड के लिए, अगर डाईपेप्टाइड है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा ट्राईपेप्टाइड के लिए, ट्राईपेप्टाइड राइट, डाईपेप्टाइड टाइप, ऊपर नहीं दिख रहा, ऊपर हल्का सा ऊपर कर देगी, देखो अभी दिख रहा होगा. डाईपेप्टाइड के लिए n 2 रखना है, ट्राईपेप्टाइड के लिए n 3 रखना है, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड एन हो जाएगा, है ना. ये होते हैं शुड बी इक्वल टू, ये वैल्यू आती है बच्चों एक्स टू दी पावर एन, एक्स एसिड है एन पॉलीपेप्टाइड बनाना, एक्स की पावर एन रहता है. फॉर एग्जांपल हमने दो अमीनो एसिड ले लिए, या नंबर ऑफ डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड formed from two different amino acid. बच्चों ये x की पावर n होता है, x की पावर n होता है, x भी 2, 2 की पावर 2 यानी 4 हो गए, ये डाईपेप्टाइड 4 बनेंगे, अभी टू डिफरेंट अमीनो एसिड से 4 डाई 4 बनेंगे. एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे डाईपेप्टाइड बनाना है तो डिफरेंट अमीनो एसिड लेने हैं. तो हमने एक काम किया, हमने कहा दो डिफरेंट अमीनो एसिड में एक लेते हैं ग्लाइसिन और दूसरा लेते हैं एलानिन, इसको ए से बोलते हैं. तो चार कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, तो कहेंगे देखो ध्यान दीजिए बच्चों, अमीनो एसिड बनता कैसे था. एक में अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एसिड का एक का ओएच जाता है और अगले का NH2 जाता है, ऐसे वाटर हटा दो यहां से, ठीक है. तो एक एक एसिड का क्या होता है, OH जाता है और दूसरे का ये जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड बनता है. ऐसे ही सोचिए बच्चों कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं. तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे कि जो पहला एसिड है ग्लाइसिन का OH जाएगा, बच्चों कितने होते, ग्लाइसिन का ही ओएच जाएगा और ग्लाइसिन का ही एनएच टू जाएगा, ये भी ग्लाइसिन का, ये भी ग्लाइसिन का, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन ले लिया, या फिर एलानिन का ही ये जाएगा और एलानिन का ही ये जाएगा, एलानिन से एलानिन जुड़ गया, एलानिन का ओएच, एलानिन का एच, दो मॉलिक्यूल जोड़ दिए डाईपेप्टाइड है तो, या फिर क्रॉस कॉम्बिनेशन कैसे, ग्लाइसिन का ओएच गया और एलानिन का एनएच गया, ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कैसे एलानिन का ओएच गया और ग्लाइसिन का ये गया, तो चार जो बने ऐसे बने, कैसे एक एसिड का ओएच दूसरे का एच जाएगा, लेकिन जिसका ओएच गया वो, ये भी ग्लाइसिन, ये भी ग्लाइसिन, दोनों ग्लाइसिन है, दोनों एलानिन है, दो कॉम्बिनेशन, फिर एक ये वाला ग्लाइसिन ओएच ग्लाइसिन का और एलानिन का एच, ये वाला जीए, जीए मतलब ओएच ग्लाइसिन का एलानिन का ए, और बाद में उल्टा कर दो एजी
एलानिन का OH और ग्लाइसिन का N गया, तो ऐसे करके चार डिफरेंट अमीनो एसिड बन जाएंगे, डाइपेप्टाइड बन जाएंगे। इस पे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि डाइपेप्टाइड कितने बनेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, जी ए और ए जी में डिफरेंस है। जी ए का मतलब है जो पहले लिखा है उसका OH गया है, बाद वाले का NH2 गया है, ठीक है। जी ए ऐसे लिखते हैं, तो इसी प्रकार से अगर बोले तीन डिफरेंट अमीनो एसिड हो गए, तीन डिफरेंट अमीनो एसिड इसी में एग्जांपल, तो वहां पे कितने हो जाएंगे, तीन की पावर दो हो जाएगा, नौ हो जाएंगे, नौ फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे डाइपेप्टाइड के, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल एक और करते हैं, नंबर ऑफ ट्राई पेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट अमीनो एसिड। तो बच्चों यहां फॉर्मूले से निकालोगे तो 2 की पावर, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर n होता है तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। आप बताओ 8 बना पा रहे हो क्या, 8 सोचो आप जरा, 8 कैसे बनेंगे, क्या आप 8 बना पा रहे हो? Yes, sir, आठ बन जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन बन सकते हैं, है ना। तो ये मोनो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ये सब बनेंगे, दो ग्रुप जुड़ गए डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ गए। अच्छा ट्राइपेप्टाइड क्या, ग्लाइसिन का ट्राइपेप्टाइड क्या होगा, जी जी जी, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तीन ग्लाइसिन जुड़ गए ऐसे, ऐसे करके यहाँ पे 8 बनेंगे, देख लीजिएगा। तो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं, ठीक है बच्चों। एक मिनट देना, मैं जब मेडिसिन देके आ रहा हूँ, भूल गया मैं, बस एक मिनट।
हाँ बच्चों आपने लिख लिया होगा। तो अभी देखो अमीनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड को तोड़ो तो अमीनो एसिड बनता है। इसका उल्टा लिखिए नोट नंबर वन में। देखो बच्चों नोट नंबर वन, देखिए पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड। नोट पे लिखिए खाली छोटा सा पॉइंट, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड। ध्यान दो कैसे, और इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कैसा बनता है ध्यान दीजिए। ये थोड़े से कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार हल्का सा डिस्कस कर दें, है तो कॉमन सेंस ही, कई बार हम लोग कर चुके होंगे। देखो बच्चों जैसे सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना, पॉलीपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड इन सब की बात करें, पॉलीपेप्टाइड लिखिए, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड। ऐसे देखो जरा, पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड। ओके समझो इसको कैसे, मान लो ये अमीनो एसिड है जीए, इसकी हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस मतलब बच्चों पानी से रिएक्शन कराओ, पानी से रिएक्शन कराओगे तो यहां पे एक साइड एच एक साइड ओएच जोड़ देना है ऐसा, बल्कि ओएच और एच जोड़ देना है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एक ये मिल जाएगा जी और ये ए, ग्लाइसिन अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एलानिन के संग एच आ जाएगा। देखो एक से एग्जांपल समझो, जीए का मतलब क्या था, जीए था ना ग्लाइसिन था, सी एस टू सी ओ, ये ग्लाइसिन का पार्ट था, ये यहां से ओएच निकल गया था, एलानिन का पार्ट ये है एन एच सी एच सी एस थ्री सी ओ एच। देखो बच्चों जी ए ग्लाइसिन का पार्ट, एलानिन का पार्ट, ग्लाइसिन यहां से यहां तक, एलानिन यहां से यहां तक, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या होगा, पानी का OH इधर पानी का H इधर जोड़ दो, वही बन गया, ये ग्लाइसिन के संग OH आ गया और एलानिन के संग क्या आ गया, H आ गया। तो जितने यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड था, एक पेप्टाइड बॉन्ड था तो एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है ना। अगर ऐसा होता कोई पॉलीपेप्टाइड ऐसा होता जी ए जी मतलब ग्लाइसिन फिर एलानिन फिर ग्लाइसिन फिर वलाइन, कुछ भी ले लो ऐसा, अब इसको पानी एक वाटर यहां जुड़ता OH H ऐसे, एक यहां जुड़ता OH H ऐसे और एक यहां जुड़ता OH और H ऐसे, ठीक है। तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड है, तीन वाटर मॉलिक्यूल यूज किए, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड होता है, ठीक है। चले आगे बच्चों, एक पॉइंट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, अगला टॉपिक वही है, लिखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो, सर एक मिनट रुको, बिल्कुल बिल्कुल। जितने पेप्टाइड अभी तक क्या पढ़ा, जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे हाइड्रोलाइज करने में। सर हेडिंग क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड का आखिरी टॉपिक है बच्चों अभी डिस्कस कर रहे हैं, लिखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट,
समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन समझ गया ना, ज्यूटर आयन से ही जुड़ा हुआ है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके साथ ही अमीनो एसिड खत्म हो जाएगा। लिखे आइसो, आइसोइलेक्ट्रिक एक ही वर्ड है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, लिखते उल्टा है, पहले पी लिखते हैं फिर आई लिखते हैं, बोलते पी आई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उल्टा पढ़ते हैं ऐसे, SN1 याद है, SN1 क्या पढ़ते हैं, SN फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको इधर उधर से पढ़ते हैं ऐसे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिखते हैं PI। देखो भैया सबसे पहले देखो एक ज्यूटर आयन बनाते हैं NH3+CH2CO, ये ग्लाइसिन का ज्यूटर आयन है, ग्लाइसिन का, इसे डाई आयन बोलते हैं, डाई आयन, शॉर्ट में DI बोलते हैं इसको। बच्चों अगर एसिडिक मीडियम होगा यानी लो पीएच होगा, एसिडिक मीडियम यानी लो पीएच, एसिडिक मीडियम या लो पीएच पे क्या होता है, लो पीएच पे यहां एच प्लस आयन जुड़ जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा NH2CH2COOH। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में ये नेगेटिव चार्ज गायब हो गया एज कटायन, ये कटायन जैसा बिहेव करेगा ये, और ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा लो यहां पे। इसी प्रकार अगर हाई पीएच हो जाए, एट हाई पीएच मैंने बेसिक मीडियम, बच्चों बेसिक मीडियम का मतलब होता है हाई पीएच, हाई पीएच पे क्या हो जाएगा, तो बच्चों हाई पीएच पे OH आयन होंगे, OH आयन इसको निकाल देंगे यहां से, यह हटा देंगे, तो यह हो जाएगा NH2CH2COO-, ठीक है ना, ये हो गया एज अनायन बिहेव करेगा, कटायन और अनायन जैसा बिहेव करेगा, राइट। कटायन और अनायन जैसा बिहेव कर देगा ये, राइट। सर ये डाई आयन तो सर ज्यूटर आयन जो बताए थे वही सर, ये डाई आयन ज्यूटर आयन, अरे ये ज्यूटर आयन का ही दूसरा नाम है, जैसा आपका घर में नाम होता है ना जॉनी जैकी चिंटू पिंटू, वैसे वो आपका दूसरा नाम है, वैसे ज्यूटर आयन को ही डाई आयन बोलते हैं, ज्यूटर आयन को ही डाई आयन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान रखिए, हाई पीएच पे ये अनायन जैसा बिहेव करेगा, लो पीएच पे कटायन जैसा बिहेव करेगा, ये बताओ अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कटायन, ध्यान देना, अगर सॉल्यूशन नंबर ऑफ कटायन डोमिनेट कर गए, अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कटायन डोमिनेट कर गए और ऐसा सॉल्यूशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर सॉल्यूशन में कटायन यानी पॉजिटिव एंड डोमिनेट कर गया ऐसे और उसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्यूशन किधर मूव करना शुरू कर देगा, कटायन है किस तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, समझ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कटायन बढ़ गए, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कटायन ज्यादा हो गए, तो पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, और अगर सॉल्यूशन नंबर ऑफ अनायन बढ़ गए, नेगेटिव आयन बढ़ गए, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, अगर कटायन डोमिनेट करेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट होगा, अगर अनायन डोमिनेट करेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट होगा, ये तो सब कॉमन सेंस है, सभी जानते होंगे, है ना, ये कॉमन सेंस सबके दिमाग में आ गया कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जाएगा, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, लेकिन ये डोमिनेट कब करेंगे, हाई लो पीएच पे ये डोमिनेट करेंगे कटायन, बहुत हाई पीएच पे एनायन डोमिनेट करेंगे। फिर सर अगर ऐसा हो जाए कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कटायन और एनायन बराबर हो जाएं, जितने कटायन उतने ही एनायन हो जाएं, सॉल्यूशन में नेट में सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, ऐसा भी होगा ना किसी किसी पीएच पे, अरे हाई पीएच पे ऐसा, लो पीएच पे ऐसा, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट पीएच ऐसा आएगा जिसमें नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ एनायन बराबर होंगे, होंगे ना, बस yes. अगर वो पीएच मेंटेन किया जाए और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा सोल्यूशन? नहीं नहीं सर, नो सर, इफेक्टिवली मोमेंट नहीं होगा, बस उसी पीएच को नाम देंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता। क्यों? नंबर ऑफ कटायन सॉल्यूशन का तो अनायन बराबर हो गए। अगर कटायन डोमिनेट करें तो कुछ मोमेंट होगा, अनायन डोमिनेट करें तो मोमेंट होगा, लेकिन दोनों बराबर हो गए तो कोई मोमेंट नहीं होगा। और इसी को हम नाम देते हैं क्या? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। डेफिनेशन लिख लीजिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। लिखिए बच्चों डेफिनेशन, फोटो बना लीजिए और डेफिनेशन लिखें। The pH at which a particular amino acid is not influenced by the pH at which a particular amino acid is not influenced by the pH at which a particular amino acid is not influenced by electric field, is not influenced by electric field, is known as what? Isoelectric point. Is known as isoelectric point. ठीक है, समझ गए? इसको कैसे निकालते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है? देखो ऐसा होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना, PI इक्वल टू होता है PKa1 प्लस PKa2 बाय 2। कैसे आता है, ये क्यों होता है बताते हैं आपको। लिख लो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसे निकालते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था, ये दूसरे पॉइंट में हमने डेफिनेशन लिख ली, और तीसरे पॉइंट में ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट चूंकि पीएच है तो PKa1 प्लस PKa2 बाई 2 ये वो पीएच होता है जिसपे सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, और इसी को नाम देते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा चलिए इसको समझाएं कि कहां से आया, उससे पहले एक पॉइंट और लिखिए। लिखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ और डैश करके एसिडिक अमीनो एसिड ये जो होता है लोएस्ट होता है, और बेसिक अमीनो एसिड के लिए हाईएस्ट होता है। बेसिक अमीनो एसिड के लिए हाईएस्ट होता है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए लोएस्ट होता है और बेसिक अमीनो एसिड के लिए हाईएस्ट होता है। एक पॉइंट लास्ट में और आएगा, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे और होता क्या क्या है, कैसे निकालते हैं इसका, इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला कैसे आता है इसकी बात करेंगे, बट एक पॉइंट और बताएंगे पहले। फोटो ले लें, चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट चारों पॉइंट का एक फोटो ले लेते हैं, फिर पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, और लास्ट पे डेरिवेशन करेंगे छठे पॉइंट में। ज्यूटर आयन, पिछले चैप्टर में हिंट दिया था, इस चैप्टर में काफी बात हो गई ज्यूटर आयन की। ठीक है, हाँ जी, तो चौथा का पांचवा पॉइंट लिखिए। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पहला कटायन और नेट में सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ कटायन और कंसंट्रेशन ऑफ अनायन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ
इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कटायन और यहाँ पे अनायन दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं। दूसरा, जब कटायन अनायन बराबर हो गए, अरे ज्यूटेनायन तो न्यूट्रल था ही, ज्यूटेनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब कटायन का कॉन्सेंट्रेशन अनायन के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट लिखे बच्चों, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखे, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूटेराइन, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, लिखे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूटेराइन एग्जिस्ट, ज्यूटेराइन एग्जिस्ट, राइट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूटेराइन। तो क्या क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, कटायन एनायन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और साथ में जो ज्यूटेराइन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस समय मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती सॉल्यूशन में। तो थोड़ा समझाने के लिए आपको लिखता हूं मैं कुछ, देखो जरा। अब मैंने कहा अगले पॉइंट में हम उसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों की कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये जो पॉइंट लिखा है ना इसको भी हटा ही देते हैं ताकि थोड़ी जगह स्पेस मिल जाए हम लोगों को। इसका फोटो खींच के छोटा सा हटा देते हैं, फोटो खींचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो पीके वन प्लस पीके टू बाई टू होता है। उसको समझाने के लिए देखिए कैसे समझाते हैं। देखो बच्चों आपने 11th में ऐसा सुना होगा, क्या सुना होगा, यहाँ रफ इधर दिख रहा है, ये देखो यहाँ लिखते हैं, देखो H2S जो है ना वो पहले ऐसे ब्रेक हो रहा है, ब्राइट वॉइस ब्रेक हो तो एक मिनट रुक जाया करो, नेट का प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया। देखो बच्चों H2S जो है वो टूटता है H plus ion, इसको लिखना नहीं खाली समझना है, HS minus, इसका equilibrium constant K1 होता है, फिर ये HS minus जो बना ये फिर से टूटता है, आयन equilibrium पढ़ा होगा, H plus ion और सल्फाइड आयन बनता है यहाँ से, यहाँ K2 होता है ना, K1 क्या होगा, this into this upon this, ये हो जाएगा H plus ion HS minus ion upon H2S, यह हो जाएगा H plus ion sulfide ion और upon HS minus, ये K1 K2 आ गया। बच्चों इससे पहले एक H plus ion निकला, ये बना, जो बना उससे फिर एक H plus ion निकला, ये बना। ये सबको याद आया, ऐसा पढ़ा था 11th में कुछ ना कुछ, हम लोगों ने एक ले लिया NH3 प्लस ये ग्लाइसिन का ही ले रहे हैं COOH। बच्चे इसमें दो H प्लस आयन है, एक H प्लस आयन ये है, एक ये है, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे दो H plus ion बारी बारी से निकले थे, K1 K2 लिखा था, यहाँ भी K1 K2 लिखेंगे। पहला H plus ion जब निकलेगा, ये कटायन है, अभी कटायन जैसा बिहेव कर रहा है, कटायन जब आयनाइज होगा तो बनाएगा E वाला H plus ion निकलेगा, बनेगा NH3 plus CH2 COO minus और H plus ion। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होगा, अच्छा K1, ओके चलिए। बच्चों
तो ये जो बना है ना ये बना है इससे ये वाला H plus आयन, इसी को डाई आयन बोलते हैं, DIC को बोलते हैं, डाई आयन यानी वही ज्यूटर आयन। अब जो डाई आयन बना है ये डाई आयन फर्स्ट इससे एक H plus, फिर से एक H plus आयन निकलेगा NH3 plus CH2, ये फिर से एक आयनाइज होगा, ये वाला H plus आयन निकलेगा बन जाएगा NH2 CH2 COO minus एक H plus आयन और निकल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 राइट, K1, K2, सर फिफ्थ पॉइंट का सब पॉइंट सी के बाद ये वाला है ना, सर चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, जैसे ये K1 लिखा था K2 लिखा था, हम दोनों यहां से यहां K1 लिखेंगे यहां K2 लिखेंगे। अच्छा ये क्या है, ये कटायन है, ये फिर से डाई आयन है, और ये क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज अनायन बन गया, ठीक है। तो हम K1 लिखेंगे बच्चों पहले, यहां यहां K1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा डाई आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन, इधर देखिए कटायन, यहां देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन H प्लस आयन और अपॉन डाई आयन। देखो जैसे इसको K1 लिखा करते थे वैसे लिखा, इसको K2 लिखा करते, दोनों को लिख लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, हमको पता है कि जब जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा तो जितने कटायन होंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन कटायन की होगी ये वही कॉन्सेंट्रेशन अनायन की होगी। तो एक काम करो, यहां से कटायन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, यहां से अनायन निकाल, तो यहां से कटायन कितना आएगा, देखो यहां से कटायन कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन डाई आयन एच प्लस आयन अपॉन के वन, ये क्वेश्चन वन है। इधर आइए, यहां से अनायन निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन कितना आ जाएगा, तो अनायन आ जाएगा K2 into डाई आयन और अपॉन H प्लस आयन, ये क्वेश्चन टू। बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कटायन अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, बराबर कर दो H प्लस आयन निकालो फिर पीएच निकालो, देखो आ जाएगा वही जो हम लोगों ने लिखा था डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कटायन अनायन बराबर होंगे तभी ना सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन, तो कटायन सर रूट अंडर के वन इनटू के टू, हाँ उसको उसको पीएच निकालो माइनस लगाओ एच प्लस आयन, देखो वही आएगा जो लिखा है आपको, ये कटायन हो गया, अनायन कितना हो गया, अनायन होगा के टू यस सर वही इनटू डाई आयन अपॉन एच प्लस आयन है ना, ये देखो और डाई आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड कैंसिल होगा, डाई आयन यहां से कैंसिल हो जाएगा, एच प्लस आयन इसको इधर ले जाओ एच प्लस आयन, तो एच प्लस आयन का स्क्वायर इक्वल टू के वन इंटू के टू, तो एच प्लस आयन इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ के वन इंटू के टू। तो अब ये तो H प्लस आयन हो गया, या पावर हाफ को बोल दो K1
K2, इसको भी याद रखो, मान लो पूछे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो ये याद रखो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा पीएच चाहिए, तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन उठा के रख दो, ये माइनस लॉग ऑफ K1 इंटू K2 का पावर हाफ, बच्चों ये आ जाएगा हाफ PK1 प्लस PK2, यही तो बताओ इसमें, मतलब हाफ लॉग ऐसे आएगा, हाफ और ब्रैकेट के अंदर माइनस लॉग ऑफ K1 माइनस लॉग ऑफ K1 जिसको PK बोलेंगे और माइनस लॉग ऑफ K2 जिसको PK2 बोलेंगे, PK1 और PK2 हो गया, काम हो जाएगा। राइट तो ये जो है अब इसका तो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी बताते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा पीएच जो है वो एवरेज है किसका, K1 और K2 का पीएच है, इसको PK1 बोलते हैं, इसको PK1, इसको PK2, तो PK1 प्लस PK2 बाई 2 क्या आ जाता है, याद रखना, वैसे फॉर्मूला मैंने लिखा है लेकिन डराइव करके दिखा दिया होता क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की फीलिंग इससे आपको आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा पीएच निकालने का, एक थोड़ा पॉइंट और लिखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, पहले फोटो फिर एक पॉइंट फिर क्वेश्चन। अच्छा नोट कर लिया तो हटाएं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम इस पे, अगला पॉइंट लिखते हैं। यस सर। सातवां पॉइंट एक और लिख लो, ठीक है बच्चों, सातवां पॉइंट क्या है, एवरेज लेना है PK1 PK2 दो PK का एवरेज चाहिए, तो कहते हैं PI किसके लिए, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड जो होता है उसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, तो उसका जो PI होगा उसके दोनों एसिडिक ग्रुप का एवरेज होगा, तो एवरेज ऑफ PK ऑफ टू एसिडिक ग्रुप है ना। अच्छा बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड राइट, बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, इट इज एवरेज ऑफ PK ऑफ टू बेसिक ग्रुप, मतलब यहां एसिडिक ग्रुप का PK का होगा, वहां पे बेसिक ग्रुप का PK लेना आपको, दोनों का पीके ही लेना है, पीके ए ही लेना है, ठीक है ना। और कहीं ध्यान प्रिय, अगर कहीं आपको ध्यान रहे तो आपको ऐसा बताया था मैंने कि फॉर एनी ग्रुप पीके प्लस पीके बी का सम पीके डब्ल्यू होता है, पीके डब्ल्यू यस सर, ये 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस राइट। तो अगर मान लो किसी ग्रुप का गलती से पीके बी दे दिया है, हमें तो एवरेज, तो एवरेज में तो दोनों पीके लेना है, मान लो किसी का पीके भी दे दिया, उसको पीके बी को यहां रखो, उससे पीके निकालो, वो यूज करना है,
सी आयनिक का कंसेप्ट है कि पीके ए प्लस पीके बी, इसी किसी भी एसिडी के बेसिक ग्रुप के लिए पीके और पीके बी का सम पीके डब्ल्यू होता है। पीके डब्ल्यू को 25 डिग्री पे हम 14 रख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। राइट आगे देखते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड पीआई ऑफ फॉलोइंग, पीआई मतलब वही उल्टा पढ़ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, फाइंड पीआई ऑफ फॉलोइंग, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहला ये सी डबल ओ एच एन एस थ्री प्लस, इसका पीके टू है और इसका पीके बी फाइव है, पीके बी फाइव है, जबकि हमको पीके बी नहीं, हमको पीके ए चाहिए होता है। अब बोलता है ठीक है इसका पीएच, इसका वो क्या होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बच्चों इसका तो पीके ठीक है लेकिन इसका हमको पीके बी दे दिया है, इसका भी पीके निकाल लो इस फॉर्मूले यूज करके, और फिर क्या बोलोगे, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो हो जाएगा पीके वन प्लस पीके टू और बाई टू। तो पीके वन मान लो ये तो पता है हमको कितना है, चार है, इसको इसको टू रख दो, टू है, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा पी एच प्लस पीके प्लस पीके बी 14, पीके बी रखोगे 5, तो पीके कितना आ जाएगा, यहाँ से पीके 9 आएगा, इस 9 को उठा के आपको यहाँ रखना है, तो 2 प्लस 9 बाई 2 यानी 5.5 आ जाएगा, 11 बाई 2 यानी 5.5। पीके कितना है, कौन सा ग्रुप पीके का वैल्यू कितना है, सी डबल ओ एच 2 दिया, 2 लिखा था, एक्चुअली बाद में सर्कल करने में चला गया, ठीक है ना, अभी दिख रहा है सर, टेम्परेचर दिया रहेगा तब ना, टेम्परेचर नहीं दिया रहा है 25 आप मान सकते हैं, जहां टेम्परेचर आपको डाउट है कि नहीं सर टेम्परेचर होना चाहिए था, है ना, तो वहां टेम्परेचर 25 मान के कर दीजिए, ये अजम्पशन रहता है बाय डिफॉल्ट। ये तो हो गया, इसका फोटो लेते हैं, इसमें एक दोनों ग्रुप थे, दोनों का एवरेज ही लेना, लेकिन एक का पीके दिया था एक का पीके भी दिया था, जिसका पीके भी दिया था उसको हमने पीके में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर दिया, जिसका पीके भी दिया था राइट right? एक क्वेश्चन और देते हैं इसके बाद, वहां क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड में देखिए ये दोनों का एवरेज चाहिए, लेकिन दो ग्रुप कौन से हैं, यहाँ एक एसिडिक एक बेसिक था, दोनों का ले लेंगे, अगर दो एसिडिक ग्रुप होते, एसिडिक अमीनो एसिड में दोनों एसिडिक ग्रुप का एवरेज लेते हैं, बेसिक अमीनो एसिड में दोनों बेसिक ग्रुप का एवरेज लेते हैं, देखिए क्वेश्चन और पार्ट बी सी का, COOH CH NH3 plus यहां PK, इसका PK 2 दिया है बच्चों, PK 2 दिया, इसका PK 9 दिया है और इसका पीके 4 दिया है। अब क्योंकि एसिडिक ग्रुप है तो एवरेज हम दोनों एसिड, क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड है इसलिए दोनों एसिड का एवरेज लेंगे, दोनों के एसिड के हम पीके लेंगे उसका एवरेज लेंगे, बेसिक अमीनो एसिड होता है दोनों बेसिक ग्रुप का लेते हैं। फिलहाल ये देखिए एसिडिक एच प्लस ओ एच ग्रुप, सॉरी एसिडिक ग्रुप डोमिनेट कर रहे हैं, यानी एसिडिक अमीनो एसिड है, दोनों एसिड का एवरेज लीजिए आप। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक एच ओ
और सबसे पहला वाला सी डब्ल्यू एच कॉमन है, टू है, टू है, टू नाइन ऑफ फोर लिखा ऊपर वाले में, ये यहाँ पे NST प्लस सर बी वाले में क्या करना था? वही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है सबका, पीके टू, पीके नाइन और पीके इलेवन का फाइव आ रहा है। हाँ दोनों एसिडिक ग्रुप का एवरेज पी का फाइव आ रहा है ना यार, हमारे पास तीन लिखा हुआ है, तीन थ्री आ रहा है, थ्री आ रहा है, ये से थ्री आ रहा है। आप पहले पहले आप डिसाइड करो क्या ये एसिडिक अमीनो एसिड है। हाँ ये एसिडिक अमीनो एसिड है पहले, तो हमें दोनों एसिडिक ग्रुप नहीं, इसको लेना है, इसको लेना है, इस ग्रुप को नहीं लेना है, ठीक है। इन दोनों का एवरेज ले लो, 4 प्लस 6 बाई 2 तो पीआई हो गया 2 प्लस 4 बाई 2 यानी 3। ओके आइए इधर आइए, पहले देखो इसमें इसमें एसिडिक एसिड एक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप दो है, यानी बेसिक अमीनो एसिड है, इसमें दोनों बेस का एवरेज लेना है, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। तो बच्चों बेसिक में हमें कौन कौन से ग्रुप लेना हो, इसको लेना है एवरेज में, इसको लेना है, एसिडिक ग्रुप को छोड़ देना है 10। हाँ इसका आंसर मेरे पास भी 10 ही लिखा हुआ, इसका मतलब 10 सही है, दोनों बेसिक का एवरेज लेना है, 9 प्लस 11 बाई 2 तो इसका पीआई हो जाएगा 9 प्लस 11 बाई 2 यानी कितना 10, राइट। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और, लास्ट अमीनो एसिड खत्म हो चुका है, लास्ट है, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर पी आई, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर पी आई, और ए बी सी तीन नाम लिखे हुए हैं, ए में लिखा है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बी में लिखा लाइजीन एल वाई लाइसिन, और तीसरे लिखा ग्लाइसिन। चलिए बच्चों एस्पार्टिक एसिड लाइसिन और ग्लाइसिन को उनको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऑर्डर में लिखिए जल्दी से, तीनों को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में लिखना है। और इसके लिए आप एक नोट का सहारा लीजिए, आपको बोला था कि एसिडिक अगर अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड उसका पीआई लीस्ट होता है, बेसिक अमीनो एसिड का पीआई हाईएस्ट होता है, तो इसमें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ए बी सी में कौन एसिड है उसको लिस्ट कर दो, जो बेसिक बीसीए 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 बिल्कुल सत्य है बीसीए, बस आपको यही तो आइडेंटिफाई करना था, एसिडिक वाला लिस्ट, बेसिक वाला हाईएस्ट, ये एसिडिक है इसका तो बिल्कुल लिस्ट होगा, और ये क्या है ग्लाइसिन, ये बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ये हाईएस्ट होगा, इसका पीआई मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पीआई, और न्यूट्रल दोनों के बीच में आ जाएगा, न्यूट्रल ग्लाइसिन अमीनो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो हाईएस्ट किसका होगा बी का, लीस्ट किसका होगा ए का, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है वो बी। इसका मतलब अगर आपको टेबल याद रहेगी जिसमें बताया था कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल, तो आप काम कर लोगे, बड़ी आसान बिना डाटा के हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए एसिडिक अमीनो एसिड का पीआई लीस्ट होता है, बेसिक अमीनो एसिड का पीआई हाईएस्ट होता है, ठीक है। और न्यूट्रल सर अगर किसी को टेबल याद नहीं रहा तो न्यूट्रल का बीच में उसी से हो गया क्वेश्चन सर, 12 के एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक। नहीं ये आता है अमीनो एसिड पे, जितने में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं एमएस वन उठाइए, अमीनो एसिड के क्वेश्चन करिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड की बात यहाँ खत्म होती है बच्चों, मैंने कहा था हम इसका न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड समझते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए, ठीक है ना, तो उन पे थोड़ी बात करेंगे, सिर्फ उनके स्ट्रक्चर की, केमिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हम नहीं पढ़ते, वो बायोलॉजी का पार्ट है, केमिकल एस्पेक्ट हमारा पार्ट है, बॉन्डिंग किस पे किस में होती है, कैसा क्या होता है, ठीक है।
तो खाली उनमें स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, तो मैं उसको ऑन स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ फटाफट। न्यूक्लिक एसिड, तो लिखिए आप लोग न्यूक्लिक एसिड, लिखें स्टार्ट करें। इसको नोट किया सभी, इसको मैं फोटो खींच लेते हैं इसके बाद, रुको जरा। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड की सारी बात हमने करी है, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कैसे होते हैं, राइट। और उसके बाद अभी हमें बात करनी है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड आदि खत्म करना, क्योंकि अगली दोनों क्लास इस हफ्ते की जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट में जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा है, उसमें भी स्ट्रक्चर बहुत कुछ है। बाकी होता है क्या है ना, अभी स्क्रीन शेयर करने से अमीनो एसिड का लास्ट क्लास में काफी फटाफट हो गया, अदरवाइज इसको बनवाने में हमारे 45 मिनट चला था, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बनवाने में 45 मिनट से एक घंटा पूरा हो जाता है, ठीक है, उससे ऊपर हो ही नहीं पाता। उसी पर कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर्स हैं, बनवाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बस स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों से न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोनों, डीएनए आरएनए नाम आपने सुने होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, बनते कैसे हैं डीएनए आरएनए, अरे न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना, पॉलीमर है। हल्का हिंट देके हम स्क्रीन पे चलेंगे, पहले समझिए, हल्का सा हिंट आपको दे दें। देखिए न्यूक्लिक एसिड, इसमें दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, दोनों पॉलीमर हैं। बनते कैसे हैं, तो देखो जरा बच्चों, सबसे पहले हम कहते हैं इनको बनाने के लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक शुगर होती है और एक बेस होता है। शुगर, शुगर मतलब वही होता है जैसे जो आपने शुगर कार्बोहाइड्रेट, शुगर एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर होती है राइबो शुगर या डीऑक्सीराइबो शुगर, एक शुगर होती है वो बेस से कमाई होती है और क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड इसको पॉलीमराइज करते हैं तो फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब यही डीएनए आरएनए। तो पहले क्या होगा, एक शुगर होगी, डीएनए में शुगर होती है, कौन सी डीएनए में शुगर होती है, डी ऑक्सीराइबो शुगर, ये सुना होगा बचपन में आपने, डीएनए में शुगर होती है डी ऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए में राइबो शुगर होती है, स्ट्रक्चर हम देखेंगे थोड़ी देर में। बेस, बेस बच्चों शुगर दो टाइप की होती है, एक डीएनए में एक आरएनए में। बेस जो होता है वो चार टाइप के होते हैं, डीएनए में चार टाइप के बेस होते हैं, आरएनए के लिए भी चार टाइप के बेस होते हैं, जो आरएनए के होते हैं ये भी चार टाइप हैं, चार टाइप ये भी हैं, चार टाइप ये भी हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, शुगर डीएनए की शुगर अलग है, आरएनए की शुगर अलग है। शुगर एक डीएनए में होती है, एक शुगर होती है डीएनए में, आरएनए में भी एक शुगर होती है, ठीक है, एक शुगर। फिर बेस, डीएनए में चार टाइप के बेस होते हैं, चार में से कोई एक बेस लेना है। इसी प्रकार आरएनए में चार टाइप के बेस होते हैं, कोई एक ले लो, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कोई एक बेस ले लो, यानी एक शुगर और कोई एक बेस से एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा,
उस न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर दो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, पूरा यही स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड बनने का। खाली हम आपको बताएंगे शुगर जो होती है डीएनए में कौन सी होती, नाम तो बता दिया स्ट्रक्चर बताएंगे बस। डीएनए होती है, डीएनए में शुगर होती है कौन सी, डी ऑक्सीराइबो शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर। डीएनए में डी ऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज शुगर, पहली चीज। बेस, डीएनए में चार बेस होते हैं, आरएनए में चार बेस होते हैं, ठीक है ओके। इनमें अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है तो डीएनए डीएनए बनाना है तो यहाँ पे डीएनए का कोई चार में से एक बेस ले लो, कोई एक बेस है ना। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करोगे तो डीएनए आरएनए बन जाएगा, यही इनकी बॉन्डिंग है। खाली स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं तो बनाएंगे नहीं, आपको स्क्रीन दिखाएंगे और हम के बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना। आइए, डीएनए क्या करता है और आरएनए क्या करता है। अरे आरएनए का काम होता है बॉडी में प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना आरएनए का काम है, और डीएनए का काम आप सब जानते हैं जो हेरिडिटरी कैरेक्टर कन्वे करना करना। डीएनए का काम जो है वो आपको पता है, बायोलॉजी आपने 10th में इतनी पढ़ी होगी, डीएनए का वर्क क्या है, बट वर्क डीएनए कैसे करता है वो सारा बायो का एस्पेक्ट है, केमिस्ट्री का क्या है, उनका स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग। आइए डिस्कस करते हैं। 10th में तो सिर्फ फुल फॉर्म पढ़े थे सबका खाली। चलिए बच्चों, आपसे हमको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो हमने को बता दिया पूरा रफ होता क्या, उसके डिटेल में चल रहे हैं वन बाय वन। जैसे न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड होते क्या, सब लिखा है, हम लिखेंगे कुछ नहीं, सब लिखा है। न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरल पॉलीमर्स विच इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन। सर हम लोग को नोट करना है क्या? ऑक्सीजन नहीं, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना, नोट करने का समय नहीं है, मैं आपको नोट अभी दे दूंगा, थोड़ी देर उसको कॉपी करना, ठीक है, सिर्फ समझ लो, जितना बोर्ड में लिखा है उतना नोट कर लो, उसके बाद खाली समझना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, डीएनए आरएनए नेचुरल पॉली होता है सभी जानते हैं आप। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है एंड फॉस्फोरस, इतने कंपाउंड होते हैं। इनका रोल क्या है, डीएनए का काम क्या होता है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका, उनको ट्रांसमिट करना। और प्रोटीन क्या, और आरएनए क्या करता है, आरएनए का, ये आरएनए का काम है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये डीएनए का काम है। फिर बच्चों जैसा मैंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं क्या, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मैंने क्या बताया था कंपोजिशन, कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक शुगर होती है पेंटोज शुगर बोलते हैं, पांच कार्बन इसलिए पेंटोज, छह कार्बन होते हैं हेक्सोज बोलते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्लियर। अब ये फिर अब हमें समझना क्या है, ये शुगर जो होती है वो कौन कौन सी होती है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, डीएनए में कौन सी होती है, फिर सॉरी ये बेस, बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं, बेस आरएनए में कौन कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था डीएनए में चार बेस होते हैं और आरएनए में भी चार बेस होते हैं, चार में तीन तीन, तीन बेस तो कॉमन है, यहाँ के तीन बेस और यहाँ के तीन बेस आपस में कॉमन है, एक चौथा बेस अलग होगा, है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से बेस, जस्ट नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो बेस होंगे वो या तो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होंगे, पिरिमिडीन डेरिवेटिव तीन बेस होते हैं ये, या प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन के डेरिवेटिव दो बेस होते हैं, खैर इस पे बाद में आएंगे। तो हमने क्या बताया था बच्चों, डीएनए में चार बेस होते हैं, आरएनए में चार बेस होते हैं, यहाँ के तीन बेस कॉमन है, कौन कौन से हैं नीचे देखिए जरा, यहाँ समझिए। नोट नंबर वन, डीएनए में होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, और यहाँ होते हैं आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो पहले यहाँ के पहले तीन एसिड
और यहाँ के पहले तीन एसिड आपस में सेम है, सिर्फ चौथे एसिड में यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे और यहाँ पे चौथे एसिड में डिफरेंस है, ठीक है ना, चौथे बेस में डिफरेंस है, ओके। फिर शुगर का जो बोल चुके हैं, लिखा हुआ है कि शुगर प्रेजेंट डीएनए में डीऑक्सीराइबो होती है, आरएनए में राइबो शुगर होती है। मेजर फंक्शन इसका होता है हेरिडिटरी करेक्टर्स को कैरी करना और इसको प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए का काम है। तो पहले पेज पे इतना ही है जो आपको बताया था। अब मैं इनके स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा कि ये जो होते हैं, ये जो टोटल जो बेस है इन दोनों में मिला करके आठ बेस नहीं है, तीन और तीन यहाँ तो कॉमन है, तो क्या होगा, मुझे लगता है पांच बेस है टोटल, ठीक है ना। तो पहला पेज बच्चों आरएनए से हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब मैं देखता हूं, जैसा मैंने आपको बताया बोर्ड पर लिखा भी है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, तो बॉन्डिंग से पहले बेस के टाइप एक बार हम देख लेते हैं। तो अगला जो पेज हम आपसे अगला जो पेज ओपन करेंगे उसमें इसके जो होंगे वो फोटोज देखते हैं। बच्चों ध्यान दो, अभी जो आपको बताया उसी को जब आगे न्यूक्लिक एसिड की बात जरा और आगे बढ़ाते हैं, इसको 100% कर देते हैं, रुको ना जरा, हाँ 100% हो गया। देखो ना डीएनए का आप लोग सभी जानते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसको किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, डीएनए में मौजूद चारों बेस को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन और थाइमिन, तो फर्स्ट और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और सेकंड और थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा चार बेस कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों देखिए चार बेस जो होते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर क्या है सभी सारे बेसिस के, तो स्ट्रक्चर के लिए कहा गया जो स्ट्रक्चर होते हैं वो या तो पिरिमिडीन डेरिवेटिव, पिरिमिडीन ये है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बेंजीन जैसा है, बस दो नाइट्रोजन लग गए पिरिमिडीन। और प्यूरीन क्या है, प्यूरीन में पहले पिरिमिडीन बनाओ इधर, ये इतना पिरिमिडीन है और इसमें फाइव मेंबर रिंग जोड़ दी, इसमें दो नाइट्रोजन है, ये पिरिमिडीन है, और पिरिमिडीन को ही पांच मेंबर रिंग जोड़ दो नाइट्रोजन वाली, तो प्यूरीन बन जाएगा। तो कुछ बेस इससे बनेंगे, कुछ बेस इससे बनेंगे, देखिए जरा कौन कौन से बनेंगे। पहले हम देखते हैं प्यूरीन से पिरिमिडीन से कौन कौन बनेंगे, पिरिमिडीन डेरिवेटिव बेस कौन कौन से, बच्चों देखो जरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हुए हैं, जो पिरिमिडीन है ना, पिरिमिडीन में अगर आपने यहाँ पे एन एच टू जोड़ दिया, यहाँ पे ये OH जोड़ दिया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया पिरिमिडीन पे, बेसिक पिरिमिडीन ने खाली दो ग्रुप जोड़ दिए, फिर आपने अगले में क्या किया, दोनों OH जोड़ दिए साइटोसिन पोजीशन पे, फिर अगले में क्या किया, वो दोनों OH तो रहने दिए, एक एक्स्ट्रा CH3 जोड़ दिया, तो सब प्यूरीन डेरिवेटिव हैं। पहला जो NH2 और OH जोड़ने पे ये साइटोसिन होता है, दोनों OH जोड़ने पे जो बनता है इसको यूरेसिल बोलते हैं, और आखिरी में दोनों OH का CH3 जोड़ने पे इसको थायमिन बोलते हैं। और बच्चों ये तीनों के तीनों साइटोसिन इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म को टॉटोमराइज करो, अगर टॉटोमराइज करोगे तो ये बन जाएगा, इसको भी टॉटोमराइज करो तो ये बन जाएगा, टॉटोमर बना दिया क्योंकि हम लोगों ने टॉटोमराइज पढ़ा ना इसको, इसलिए इसको भी टॉटोमराइज करो तो ये बन जाता है, इनॉल फॉर्म है सब टॉटोमर, इन और ऑल है ना, टॉटोमराइज हो जाएगा ये। तो आपने तीन बेस देखे, कौन कौन से बेस, जो साइटोसिन में कौन डबल बॉन्ड होगा, हाँ एक पिरिमिडीन डेरिवेटिव है, पिरिमिडीन से तीन बेस बनते हैं, कौन कौन से, पिरिमिडीन से बना एक साइटोसिन, दो NH2OH लगा के, दोनों OH लगा के यूरेसिल, और OH के संग एक CH3 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, थायमिन। ये तीन बेस हम पिरिमिडीन से बनाते हैं। प्यूरीन, प्यूरीन क्या होता है, पिरिमिडीन में ये फाइव मेंबर रिंग जोड़ दी तो प्यूरीन बन जाता है, पिरिमिडीन में एक फाइव मेंबर रिंग जोड़ दो, ये रिंग, इतना रिंग इससे जोड़ोगे, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये बन गया क्या, प्यूरीन। और प्यूरीन से भी बेस बनते हैं, ये देखिए दोनों बेस जो प्यूरीन से बने, क्या एडिनिन और ग्वानिन। हाँ बोलो बेटा। सर साइटोसिन में एक डबल बॉन्ड और होगा ना, वो छोटा वाला लग रहा है। यस सर, साइटोसिन में डबल बॉन्ड सर NH2 और N के बीच वाला, इनॉल फॉर्म, यहाँ इनॉल नहीं बना, यहाँ नहीं होगा, इनामीन होगा, लेकिन इनामीन करके बना सकते हैं इनामीन, ठीक है, ठीक है होगा। अच्छा इधर आ जाइए बच्चों, ये स्ट्रक्चर अपना है किससे, प्यूरिडीन, ये पिरिमिडीन में एक फाइव मेंबर रिंग जोड़ी प्यूरीन बन गया, प्यूरीन में थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे, थोड़ा चेंज कैसे, प्यूरीन में आपने NH2 लगा दिया तो एडिनिन बन गया यहाँ पे, और प्यूरीन में आपने जहाँ NH2 था वो OH आ गया, और NH2 यहाँ पे नई जगह लगा दिया तो ये बन गया ग्वानिन,
एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन कैसे बनेगा, एडिनिन में खाली NH2 जोड़ना है, कहां पे, ये जगह पे, और गुआनिन में जहां पे NH2 था वहां OH कर दो और दूसरे साइड में क्या करो, यहां पे NH2 जोड़ दो, ये गुआनिन हो गया। एडिनिन और गुआनिन दोनों कैसे बनते हैं, प्यूरिन से। बच्चों ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चार ऑप्शन लिख दिए, इनमें से कौन सा प्यूरिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव दो ही होते हैं, कौन से, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, पिरिमिडिन डेरिवेटिव होते हैं तीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। स्ट्रक्चर ही बताना था इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। तो जो पांच बेस होते हैं वो हो गए, और जो बोर्ड पे लिखा है मेन वही है, बोर्ड पे जो भी दिख रहा है आपको क्या, शुगर प्लस बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड, लेकिन बेस कौन कौन सा हो सकता मैंने बताया आपको, फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज होकर न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। तो जो दूसरे पेज पे स्ट्रक्चर आपको दिखा है, मैं ये सारी चीज आपके ग्रुप में भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है, बस आपको साथ साथ समझते चलना है। अब जो बोर्ड पे लिखा उसकी बॉन्डिंग एक बार देखते हैं, तो देखो बच्चों शुगर कौन कौन सी होती है एक बार ये बात करते हैं। मैंने बोला था एक राइबो शुगर है, एक डी ऑक्सी राइबो शुगर है। राइबो शुगर दोनों फाइव कार्बन शुगर होती है दोनों में, पेंटोज शुगर बोलते हैं, पेंटोज मतलब पांच कार्बन, बेटा फाइव कार्बन को पेंटोज बोलते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे छह कार्बन को हेक्सोज, सात कार्बन को हेप्टोज, ऐसे नाम देते हैं। खैर कैसी शुगर होती है, पांच कार्बन, ये रहे देखो ना नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 4 पांच कार्बन है। स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पे OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, यहाँ OH नीचे और यहाँ CH2OH ऊपर, ऐसे याद रखो। ये राइबो, इसको बोलते हैं कौन सा शुगर, राइबो शुगर, और राइबोज में से क्या ऑक्सीजन निकाल दो, कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन निकाल दो इसको, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं बचा तो डी ऑक्सी राइबो होगी। राइबोज शुगर में से राइबोज इलिप्स बना है इसीलिए बना, दिखाने के लिए कि यहां से ओ निकल गया, बस यहीं पे डिफरेंस है, इन दोनों में यहीं पे डिफरेंस है कार्बन पे। यहां से नंबर टू से ऑक्सीजन निकाल दो तो डी ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसको डी ऑक्सी राइबो शुगर बोलेंगे। राइबो शुगर पांच कार्बन और एक उसमें कार्बन नंबर टू पे जो OH है उसको कार्बन H में कन्वर्ट करो, वहां से वो हटा दो, डी ऑक्सी राइबो शुगर। ये राइबो किस पर, राइबो होती है डीएनए के अंदर और डी ऑक्सी राइबो आरएनए में होती, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चों, राइबो शुगर आरएनए में होती है, आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज होती है। याद रखो डी ऑक्सी राइबो डीएनए, डी फॉर डी और आर फॉर आर, राइबोज में, आरएनए में। चलिए अब वो बॉन्डिंग देखते हैं जो बोर्ड पे लिखी, कैसे बॉन्डिंग होती है, ध्यान दीजिए उसी वही लिखा जो बोर्ड पे है। बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होगा न्यूक्लिक एसिड। इसी को जो दिखाया कॉम्बिनेशन नीचे फोटो में देखो बच्चों, ये एडिनिन एक बेस, सारे बेस में से कोई एक बेस एडिनिन ले लिया, एडिनिन और ये राइबो शुगर ले ली, एडिनिन का H और राइबो शुगर का OH, यहां से वाटर निकल गया, तो ये दोनों वाटर निकलते दोनों जुड़ गए यहां सीधे सीधे, जुड़ने पे ये जो बना है, जुड़ने पे जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, यही न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड ये है। यहां बेस बदल देंगे, अगर इस बेस को चेंज कर दें, इस बेस के दूसरा बेस आ जाए तो न्यूक्लियोसाइड लेकिन दूसरा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और फिर जो न्यूक्लियोसाइड है उसकी रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड से करा दी, तो यहां से OH, यहां से OH और यहां से H जा रहा है, तो ये भी जुड़ जाते हैं यहां, ये जुड़ गया यहां पे आके, ये जो बन गया न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइबो शुगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, राइबो शुगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और बच्चों इसी न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करते हैं, इसी न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करते हैं तो हमें वो मिलता है न्यूक्लिक एसिड पूरा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसी को पॉलीमराइज करने से बनता है। इस स्ट्रक्चर को फिर से देख लो एक बार, क्या बेस और शुगर क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप ले लो, क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपको अगर न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं ध्यान रखो बच्चों, डीएनए में क्या होगा, सर आरएनए में ये तो हमेशा एक ही रहेगा ये क्या, लेकिन ये चेंज होगा, ये बारी बारी से कभी एडिनिन कभी गुआनिन कभी कोई, तो ऐसे करके इसको बदलोगे तो ये बदल जाएगा फाइनली। तो ऐसे करके चार टाइप के बेस होते हैं आरएनए में, तो ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड चार बनेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भी चार ही बनेंगे, क्यों, चार टाइप के बेस उसमें भी होते हैं, बेस बदलोगे न्यूक्लियोटाइड बदलता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बेस पे डिपेंड करता है।
इसको मैंने अगले पेज पे दिखाया कैसे डिपेंड करता है, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। डीएनए आरएनए की रिएक्शंस हमें कुछ नहीं देखनी है, रिएक्शन हमें कुछ नहीं करानी है, हम करा ही नहीं सकते रिएक्शन उनकी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट है वो सारे। बच्चों वही कुछ फालतू चीजें लिखी हैं, पढ़ते जाओ साथ साथ। अ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग मॉलिक्यूल ऑफ बेस विद एप्रोप्रिएट शुगर। फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है जो हम एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जोड़ देते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, वही स्ट्रक्चर कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे कि ये सब लिख भी लेंगे? नहीं, ये हम आपको भेज देंगे, उसका आपका मन करे लिख लेना, आपका मन करे पढ़ लेना, ठीक है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर पूछ रहा है कि रिएक्शन एग्जाम में आता है? हेलो, क्या बोले सर? वो पूछ रहा है कि रिएक्शन एग्जाम में आता है? अरे डीएनए आरएनए का कोई रिएक्शन ही नहीं है खाली, ये रिएक्शन थोड़ी, तो जो बॉन्डिंग दिखाई कौन किससे जुड़ेगा, ठीक है। बॉन्डिंग बताई है, रिएक्शन एग्जाम में नहीं आएगा, रिएक्शन हमको करानी नहीं है आपको। डीएनए आरएनए में जो मैंने आपको बताया है शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, बस शुगर और पानी कहाँ से निकले वो यहाँ बनाता है, तो पूरा क्लास और एक घंटा लग जाता है, इसलिए वहां पर दिखा दिया मैंने, है ना। बेस कोई एक बेस, शुगर लो कोई एक बेस लो, डीएनए डीएनए का शुगर कौन सा होगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए में राइबो शुगर, एक शुगर लो फिर बेस ले लो और जोड़ के न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता, बनाया फोटो दिखाया मैंने, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यहाँ से पानी निकलेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करो तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। एक छोटा सा पॉइंट और दिखाएंगे, देखो ना साथ साथ, जो आपको मैं बता रहा था वही चीज स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो जरा, चार न्यूक्लियोटाइड डीएनए के होते हैं और चार आरएनए के होते हैं। ये चार न्यूक्लियोटाइड डीएनए के हैं और चार न्यूक्लियोटाइड आरएनए के हैं। डीएनए के, डीएनए में क्या है, देखो डीएनए के आरएनए में क्या क्या है बच्चों, शुगर सब में सेम है, शुगर सब में राइबोज लेना है, खाली बेस चेंज करा है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, इसे बेस चेंज होगा, न्यूक्लियोसाइड चेंज होगा, एडेनोसिन गुआनोसिन साइटिडीन और यूरिडीन, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दोगे तो ये साथ में न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, इनके नाम भी आ गए प्रॉपरली, ठीक है ना। इसी प्रकार इन्हीं आरएनए में चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चार, और डीएनए में भी चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, खाली बेस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। खाली बेस चेंज करोगे न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा आरएनए में, और इसका एक स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स, देखिए दो हेलिक्स एक साथ चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये आपको ज्यादा नहीं समझना है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, अगर चारों को हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें तो फर्स्ट और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकंड और थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बताया शुरू में, ठीक है। इतना ही है हमारे पास, बाकी हमको इसमें नहीं पढ़ना है, खाली हमें आपको दिखाना था कौन कौन टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। दो ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, और न्यूक्लिक बनते कैसे हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए के चार न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के चार न्यूक्लियोटाइड, अभी आखिरी में दिखाए कौन कौन से होते हैं, वो पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, उसमें आपको जो लगे नोट्स बना लीजिएगा, बाकी मेन सब पूरा पार्ट इतना ही मिलेगा। हम क्या क्या बनाएंगे, दोनों शुगर के स्ट्रक्चर बना लेंगे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, फिर जो बेस हैं डीएनए में कौन से बेस हैं, आरएनए में कौन से बेस हैं लिख लेंगे, और फिर जो बेस बनते हैं वो क्या होते हैं, पिरिमिडीन या प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं, पिरिमिडीन डेरिवेटिव तीन है और प्यूरिन डेरिवेटिव पांच है, दो है, टोटल पांच हो जाते हैं, तीन और दो, उनके स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखोगे तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इवन एमएस वन में तो न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको, बट फिर भी बॉन्डिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन को पढ़ने। तो इस तरीके से हमने दो पार्ट हैं इसमें, क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल में, एक है अल्फा अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, वो पूरा किया,
और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़ा पार्ट है, उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन भी समझेंगे, रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को बोलेंगे अच्छा ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाली है, ये हेमीस्टल बन रहा है एल्डिहाइड कीटोन जैसा हेमीस्टल बन रहा है, हेमीकेटल वहीं जैसा बन रहा है उसी टाइप का बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन वहीं से हम कॉपी करेंगे एल्डिहाइड की या फिर अल्कोहल की रिएक्शन, रिएक्शन नई नहीं है लेकिन जो पढ़ चुके हैं रिएक्शन को रिकॉल करेंगे कार्बोहाइड्रेट में और, ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को अभी? सर वो ओटीपी आ चुका है, इस बार देखते हैं कैसा रिजल्ट रहा बच्चों का। सर कोई बताया नहीं अभी तक, सभी आपसे बात करते करते पीएससी का फोन आया था कि जेईई का रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, अभी उनका फोन आया, थोड़ी देर मैंने बीच में थोड़ी देर म्यूट किया तभी फोन आया था। ऑल द बेस्ट सर। बच्चों चलिए थैंक यू, देखते हैं कैसा रहा बच्चों ने कैसा किया और अगले साल आपको ऐसा करेंगे भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने का तो होता है ना, पढ़ने का रगड़ा जाता है, रगड़ना मतलब आपने पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ध्यान रखना बच्चों प्रैक्टिस में हमने बच्चों को देखा है अभी आपके जो वो हो रहे हैं ना जो अभी RITS हो रहा है, RITS नहीं छोड़ना 21 तारीख वाला पूरा 11th फेज 1 रिवाइज करके देना, RITS ARTS नहीं छोड़ना, और जब 12th में आप आ जाओ, जब 12th खत्म हो जाएगा तो हम लोग RET लेंगे, RET लगभग 50-60 RET होते हैं, 70 RET होते हैं, 70 RET, वो कोई RET मिस नहीं करना, जितना प्रैक्टिस एग्जाम की करोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, ये ध्यान रखना। सर मैंने बच्चों को बोला था, ये आपको बोला, ठीक है, क्या हुआ सर? अगला साल मचा देंगे रांची में। हां पढ़ते सभी हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है लेकिन प्रैक्टिस इसने ज्यादा की, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म किया, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बना पाए उनको नोट्स में अपडेट करना, नोट्स रिवाइज करते रहना, अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट एक दिन की कहानी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना ये जो अभी तक पिछले 6 महीने से करते हैं अगले 6 महीने करेंगे तब जाके इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमको फेस मुझे मान के चलिए कि नवंबर एंड तक तो हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, नवंबर एंड तक है ना, दिसंबर में फेस है, और उसके बाद जो 2-3 महीना आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ के मेहनत तब जाके कहीं आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, और उस समय खाली टेस्ट डिस्कशन चलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं रिजल्ट थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है ना, और बाकी आप लोग जो बता तुरंत अभी शेयर करता हूँ, वो PDF भी जो भी शेयर किया था न्यूक्लिक एसिड का वो आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है, थैंक यू सर। वो OTP नहीं ना मिलेगा? OTP बेटा OTP ग्रुप में भेजेंगे, हमने OTP जनरेट नहीं किया, जनरेट के ग्रुप में भी डालते हैं 10 मिनट में, ठीक है सर, मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा थैंक यू सर छूट गया सर, वीडियो भेजते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके बच्चों।